ब्रांड्स के साथ उन्होंने और उनको काम करने का मौका मिला है, और कुछ ब्रांड्स में मैं उनके साथ एज अ टीम लीडर, एज अ को वर्कर उनके साथ हमने काम किया, जिसमें चीज मॉल है, सेंटिमेंट्स है, ये वो है, चीज में मैं नहीं था, अलीबाबा में उनके साथ हमने ट्रेनिंग्स की हैं, और इसके अलावा NAC, बैरियर यूनिवर्सिटी, कॉमसेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, प्लान 9, इस तरह के बहुत सारे इदारे हैं जिनके जिनमें हमने हैदर के साथ काम किया है। मैं आपको अपनी थोड़ी सी प्रोफाइल भी दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मैं आप लोगों से जो मुखातिब हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग का बेसिकली है, एंड एक्सपर्टीज जो है वो ई कॉमर्स से है कि किस तरह बिजनेस को इंटरनेट के ऊपर बूस्ट करना है, किस तरह उसके ऊपर सेल्स लेके आनी है, और किस तरह से हमने अपनी प्रोडक्ट्स को और अपनी सर्विस को ऑनलाइन सेल करना है और वहां से अपने रेवेन्यू को जनरेट करना है। ठीक है जी, मेरा नाम उमर मुबीन है और तकरीबन 8 से 9 साल हो चुके हैं मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, और एक्सपर्टीज ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर है कि ट्रैफिक को जनरेट करना है, सेल्स को जनरेट करना है, आपके प्रोडक्ट की, आपके ब्रांड की विजिबिलिटी को लोगों तक पहुंचाना है। और कुछ ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ या कर चुका हूँ, जिसमें ईडन रोप है, जिसमें जेबी सईद है, दनक है, डेल्फ्रायो, इसके अलावा सेली टेक्स, TCS ईकॉम, कपड़े जलबरी, गोवा टेक्सटाइल, चीज मॉल डॉट कॉम, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, उर्दू पॉइंट, और बहुत सारे इस तरह के ब्रांड्स हैं इनके साथ काम करने का हमको मौका मिल चुका है या अभी भी हम उसके साथ काम कर रहे हैं। तमाम चीजें आपको इंशाल्लाह डिस्कस की जाएंगी आज के सेशन में। सबसे पहले थोड़ा सा हम ओवरऑल इस टाइम अपनी जो करंट मार्केट चल रही है उसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। सबसे बेसिक सवाल जो कि आजकल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, आजकल बहुत ज्यादा उन चीजों के ऊपर बात की जा रही है कि जॉब से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका फ्रीलांस का काम है। ठीक है, फ्रीलांस का वो काम है जो कि आप इंडिविजुअली अपने सर के ऊपर, अपनी जिम्मेदारियों के ऊपर और अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर सकते हो। कितने पैसे कमाने चाहते हो, ठीक है, उसके हिसाब से कितना काम करना पड़ेगा, कितनी एक्सपर्टीज या कितने स्किल लेवल इनहांस करने पड़े आपको। आप जॉब कर रहे हो, आपको पता है महीने के आखिर में मुझे ये फिक्स सैलरी मिलनी है, 1 साल बाद इंक्रीमेंट मिलना है, 10 साल बाद सरकारी मुलाजम हो तो प्लॉट मिल जाएगा या गाड़ी मिल जाएगी या रहने के लिए सरकारी क्वार्टर मिल जाएगा। बट अगर आप फ्रीलांस पे काम कर रहे हो तो आप अपनी इनकम को अपनी वर्किंग के हिसाब से एक्सपेंड कर सकते हो। मैं एक दिन में 3 वेबसाइट्स बना सकता हूँ, पर वेबसाइट मैं 20,000, लेट्स सपोज 20,000 ले रहा हूँ, तो मैं दिन में 60,000 रुपए कमा सकता हूँ। मैं उस अपनी वर्किंग फील्ड को बढ़ा के दिन में 4 वेबसाइट्स बनाना शुरू कर दूंगा, ठीक है, नहीं मुझे अब 80,000 रुपए कमाने हैं। ठीक है, तो मैं फ्रीलांस को इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट देता हूँ ओवर द जॉब। अब फ्रीलांसिंग में हमारे पास कौन कौन सी चीजें एड ऑन हो सकती हैं, जिसमें ड्रॉप शिपिंग है, जिसमें वेबसाइट सेलिंग है, जिसमें ऑनलाइन रिटेल का सारा मैं काम कर सकता हूँ, उसके अलावा कंटेंट में शॉपिफाई है, शॉपिफाई के ऊपर मैं ब्लॉगिंग वगैरह कर सकता हूँ, या अमेजोन की जो एफिलिएट ब्लॉगिंग है मेजेंटो के ऊपर होता है, इस तरह रेस्टोरेंट की एप्लीकेशन होती है, ठीक है, उसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग में मैं क्या क्या अपने बिजनेस को डेवलप कर सकता हूँ, और ड्रॉप शिपिंग के तमाम चीजें एड ऑन हो सकती हैं उसमें। ठीक है, और दूसरी चीज के जो जॉब्स इस टाइम करंटली चल रही हैं हमारी इंडस्ट्री में, हमारे मुल्क में, वो कितने अरसे तक रहेंगी या कितने अरसे तक वो जॉब एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, इन तमाम चीजों को ओवरकम कर रहा है हमारा डिजिटल चैनल। जितने भी तमाम डिजिटल चैनल हैं वो इन तमाम चीजों को और ओवरकम कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज के आपका फूड पांडा की एग्जांपल है, कितने ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि फूड पांडा पे 100% स्विच हो चुके हैं, उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में डाइनिंग खत्म करके
फूड पांडा के ऊपर तमाम सर्विसेज देना शुरू कर दिया। फूड पांडा क्या है? फूड पांडा एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, ठीक है, जो कि फूड डिलीवरी वो उसका कोर है और जो उनका बिजनेस है वो सब चीजें आ रही है। अब फ्यूचर की जो आपकी जॉब इंश्योरेंस है वो किस चीज के ऊपर बेस करती है? वो तमाम की तमाम टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस कर रही है, ठीक है। आपको मैं दावे से कह सकता हूँ ये बात कि अगर आज के जमाने में कोई कंप्यूटर की नॉलेज रखता है तो वो बेरोजगार नहीं होगा, ठीक है, वो भूखा नहीं मर सकता, कोई ना कोई काम उसको मिल सकता है अगर जो कंप्यूटर की फील्ड से रिलेटेड है या जिसको कंप्यूटर की नॉलेज है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम बात करते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क में या हमारे जो दूसरे मुल्क हैं जो कि इस टाइम तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जिनको हम बहुत फॉलो करते हैं, जिनको हम बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, वहां पे क्या चीजें हो रही हैं। चाइना की हम बात करते हैं तो चाइना के अंदर जो कैशियर की जॉब्स हैं वो खत्म हो चुकी हैं। कैशियर क्या होता है कि आपने एक दुकान में गए, आपने बहुत सारी शॉपिंग की, लास्ट में आप कैश काउंटर के ऊपर आए, तमाम आपकी जो प्रोडक्ट्स है उसका बिल बना और वहां से उसको आपने पैसे दिए, वो जॉब खत्म हो चुकी है। अब उसकी जगह किसने ले ली है कि आप अपने मोबाइल में एक कोड से स्कैन करते हो, ठीक है, और वो पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। आपने जितनी चीजें ली अपने मोबाइल से उनको उसका कोड स्कैन करते हो, उसका बिल ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल के ऊपर आ जाता है और आप स्कैन करके बिल वहां पे कर सकते हो। पाकिस्तान में सिमसिम ये कर रहा है, इजी पैसा ये कर रहा है, बट ये इतना ज्यादा पाकिस्तान में एडवांस लेवल पे नहीं गया जितना ये चाइना में जा रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, आपको एक बंदा नजर आएगा सूट पहना हुआ और अच्छी न्यूज पढ़ रहा है, ठीक है, बड़ा अच्छा दिखने वाला एक चीना, ग्लासेस लगाए हुए, अच्छे बाल हैं और सूट पहना हुआ है और वो न्यूज पढ़ रहा है। क्या आपको बात मालूम है कि ये कोई इंसान नहीं बैठा हुआ, ये एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कंप्यूटराइज रिबोटिक बंदा है जिसपे न्यूज आप लिख के फीड करते हो और वो ऐसी आवाज आती है और उसके एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जैसे वो न्यूज पढ़ रहा है। इसके अलावा डिलीवरी की जॉब्स चाइना में बहुत हद तक खत्म हो रही हैं, वहां पे डिलीवरी ड्रोन के थ्रू शुरू हो चुकी हैं। JD.com एक JD Mall.com एक चाइना की ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ठीक है, वो अब पूरे चाइना के अंदर डिलीवरी सिस्टम स्टार्ट कर रहा है ड्रोन से। इसके अलावा स्मार्ट चैटबॉट्स आ चुकी हैं। इसका जो रीजन है, जो इसका मकसद है या यूज है कि आप किसी फेसबुक को, किसी पेज को, ब्रांड के पेज को, इसकी वेबसाइट को जाके ओपन करते हो और वहां पे चैट करना शुरू करते हो, जी मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या मैं ये चीज खरीदना चाहता हूँ, वहां पे एक इंसान बैठा हुआ है कंप्यूटर के सामने और वो सबकी बातें सुन रहा है और उनको जवाब दे रहा है। ये जॉब भी खत्म हो चुकी है क्योंकि आपके चैट बॉट्स इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, आपकी मशीन लर्निंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, आप कुछ भी टाइप करते हो किसी भी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट किया जाता है कंप्यूटराइज तौर पे, रिबोटिक तौर पे, और कंप्यूटराइज रिबॉट उसका जवाब दे रहा है जिसको हम चैट बॉट कहते हैं। हमारा फेसबुक, हमारा गूगल, इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशन है जैसे मैनी चैट है या लॉल चैट है, इस तरह बहुत सारे चैट्स के सॉफ्टवेयर हैं जो कि इस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अलावा ड्राइवरलेस कार्स, कार के ऊपर सेंसर लगे हुए हैं जो कि आपकी गाड़ी के तमाम जो ड्राइवर फीचर्स होते हैं वो तमाम के तमाम ऑटोमेटिकली सेंसर के बेस के ऊपर आपकी गाड़ी चल रही है और इसके एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और नेक्स्ट फ्यूचर में आपको ये चीज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। ओके जी, अपकमिंग जॉब्स जिन सेक्टर्स के अंदर डेवलप होने जा रही हैं वो ई कॉमर्स है, वो आपकी वेब बेस और एप्लीकेशन बेस है, वो आपकी प्रोफेशनल सर्विसेज और आपकी जो सर्विस जॉब होती है उसकी बेस के ऊपर तमाम आपकी बने। ई कॉमर्स में क्या क्या जॉब हो सकती है जी? ड्रॉप शिपिंग है, उसके बाद वेब सेलिंग है, फ्रीलांसिंग के ऊपर है, आप अभी लोगों को वेबसाइट्स बना के दो मैजेंटो में या शॉपिफाई में, या आप उनकी सेल की सर्विसेज दो। व्हाट इज फ्रीलांसिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन 9 and 9 to 5 जॉब और फ्रीलांसिंग? ओके, सबसे पहले आप लोगों से एक सवाल छोटा सा कि आप किस चीज को एज अ प्रोफेशन अपनाना चाहते हो, वो 9 to 5 जॉब होगी या वो एक फ्रीलांसिंग का काम होगा, फ्रीलांसर बनना चाहते हो
या आप 9 to 5 जॉब करना चाहते हो? जल्दी से लिख के बताओगे इस चैट में। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन है जी। आप एक क्वेश्चन नहीं, आप 10 क्वेश्चन करें। हम आपको कभी भी सवाल पूछने से मना नहीं करेंगे। ओके, आपको थोड़ा सा पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ और थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ कि मैंने पिछले 7-8 साल जॉब की है, ठीक है। मैंने पिछले 7-8 साल प्रॉपर ऑफिस जॉब की है और डिफरेंट ब्रांड्स के साथ और डिफरेंट इदारों के साथ जॉब की है, और मैं आपको फ्रीलांसिंग का मशवरा क्यों दे रहा हूँ, इस चीज को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले, अगर आप फ्रीलांसिंग को एज अ बिजनेस या एज अ अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले आपके पास एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन होता है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन आपके एंड से किस तरीके कार से क्रिएट हो रहा है कि आपके एक्सपेंडिचर्स जो कि आप लगाते हो, जो कि खर्चे आप खुद से करते हो अपनी जॉब के लिए, वो सेफ हो रहे हैं। वो क्या क्या खर्चे हो सकते हैं? वो आपके कपड़ों के खर्चे हैं, वो आपके ऑफिस पहुंचने तक के खर्चे हैं, वो आपके लंच हैं, आपके डिनर हैं, जो भी एक्सपेंसेस आप करते हो वो तमाम की तमाम चीजें आपको वहां पे सेव हो रही है। फिर टाइम इफेक्टिव है, जब मेरा दिल करेगा तब मैं अपना काम करूंगा, जब मेरा दिल नहीं करेगा मैं अपना काम नहीं करूंगा, ठीक है। ये एक फ्रीलांसिंग में आपको बहुत बड़ी वो चीजें उसमें मिलती हैं। उसके बाद आपके ऊपर जो लाइबिलिटीज हैं वो कम से कम होती हैं, ठीक है। मैं अगर कहीं जॉब कर रहा हूँ तो वहाँ के अकाउंट्स का या उनका अगर फेसबुक मैनेज कर रहा हूँ तो उनके पेज की मेरे ऊपर वो लाइबिलिटी होगी, यार मैंने उनका पेज संभालना है, उसको मेंटेन करना है, और बहुत सारी तमाम बहुत सारी वो चीजें जो कि हमारे जॉब के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। फ्रीलांसिंग में मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ, मैं किसी से किसी चीज के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं ले रहा। उसके बाद मैं अपनी एक्सपर्टीज को एनहांस कर सकता हूँ। मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरा बस ये काम है और इससे एक्स्ट्रा मैंने और कोई काम नहीं करना। और अगर मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और मेरे पास एक कस्टमर आता है, क्लाइंट आता है, वो मुझे कहता है कि जी मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग करवानी है आपसे, तो मैं उसको ग्राफिक डिजाइनिंग करके देता हूँ। उसके बाद वो कस्टमर कहते हैं, यार कोई आपकी नजर में हो डिजिटल मार्केटिंग करने वाला तो मुझे बताना, मैंने इस ब्रांड की डिजिटल मार्केटिंग भी करनी है, ठीक है। तो आप उसको कहते हो, जी मुझे नॉलेज है, मैं एक्सपर्ट हूँ डिजिटल मार्केटिंग का भी, मैं आपको इस ब्रांड की या इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके देता हूँ। वो भी प्रोजेक्ट आपके पास आ सकता है, उससे भी आपका एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, और उसके लिए आप खुद भी मार्केटिंग हो या जो भी डिफरेंट स्किल्स हैं उसके ऊपर काम करोगे। यार मेरे पास 3 से 4 स्किल्स होनी चाहिए कि एक कस्टमर को, एक क्लाइंट को वेब भी बना के दूं, ग्राफिक्स भी बना के दूं, फिर उसको कंटेंट भी लिख के दूं, उसको मार्केटिंग भी करके दूं। तो ये तमाम की तमाम चीजें आपके लिए एक एडवांटेज हो सकती हैं। और भी इसके अलावा बहुत सारे उसमें है कि आपके लिए वो कॉस्ट भी बच रही है, एक्सपर्टीज भी हो रही है, उसके बाद टाइम का भी क्वेश्चन नहीं है। फिर रिमोटली आप पूरी दुनिया में जहां भी बैठे हो अपना लैपटॉप खोलो, अपना मोबाइल फोन ऑन करो, इंटरनेट चालू करो, और आपका एक ऑफिस क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ये फायदे हैं आपके फ्रीलांसिंग के। अगर हम थोड़ी सी इस चीज के ऊपर बात करें कि इस टाइम दुनिया में फ्रीलांसिंग पे क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, अब्दुलरहमान अगर आप थोड़ा सा गौर करो इस बात के ऊपर कि इस टाइम दुनिया में फ्रीलांसिंग के ऊपर क्या एक्टिविटीज हो रही हैं और पाकिस्तान में कितना स्कोप है इन तमाम चीजों का। इंडिया सबसे आगे पूरी दुनिया में जितनी भी फ्रीलांसिंग हो रही है उसका 23% शेयर जो है वो इंडिया के पास है। सेकंड नंबर पे बांग्लादेश आता है, तकरीबन 15 से थोड़ा सा ऊपर परसेंटेज है कि वो जितने भी फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट होते हैं वो सबसे ज्यादा इंडियंस के पास जाते हैं। दूसरे नंबर पे वो बांग्लादेश के पास जाते हैं। तीसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स है और पाकिस्तान पूरी दुनिया में 4th नंबर पर है जो कि फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री चला रहा है। 4th नंबर पे है पाकिस्तानी, ठीक है। बहुत ज्यादा पोटेंशियल अभी भी है, बहुत ज्यादा काम अभी भी पड़ा हुआ है जो कि हम लोगों को बहुत इजीली मिल सकता है। सबसे ज्यादा काम किस चीज में मिल रहा है? वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के अंदर है। सेकेंडली क्रिएटिव एंड मल्टीमीडिया, जिसमें आपके ग्राफिक्स वगैरह, वीडियो एनिमेशन और इन तमाम चीजें आ जाती हैं।
और तीसरे सेल्स करवानी है, इस तरह के सारे काम। उसके बाद राइटिंग और डेटा एंट्री और इस तरह की जो जॉब्स हैं वो आपको मिल जाती हैं। डू यू नो पाकिस्तान में एक बच्चा, बच्चा हम कहेंगे 1999 में पैदा हुआ, ठीक है, और वो 1 मिलियन डॉलर्स कमा के ले गया, जीत के आया एक गेम के उसमें कंपटीशन के अंदर, ठीक है। और ये जो अर्निंग होती है इस, ये भी फ्री लांसिंग अर्निंग होती है। एक गेम का कंपटीशन हुआ जिसमें एक पाकिस्तानी ने हिस्सा लिया और वो वहां से 1 मिलियन डॉलर्स ले गया, 10 लाख डॉलर। 10 लाख डॉलर को आप कन्वर्ट कर लो, 160 रुपए का डॉलर है, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान में पूरी दुनिया में कंपटीशन जो होते हैं गेमिंग के, उसमें पाकिस्तान नंबर 1 के ऊपर भी आते हैं, और हाईली पेड गेमर्स जो हैं ऑनलाइन गेमिंग के अंदर, वो भी पाकिस्तान में बहुत से लोग बैठे हुए जो कि इस काम में पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने सोचा गेम खेलो, गेम के कंपटीशन जीतो, आपको 10 लाख डॉलर तक भी कमा सकते हो। ये तमाम की तमाम चीजें इस दुनिया में हो रही हैं और इन सब उसमें हो रही हैं। इसके अलावा आपसे बहुत सारे लोग हैं जो कि फाइवर के ऊपर होंगे, जो कि अपवर्क के ऊपर होंगे, या इस तरह के बहुत सारे और डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं और डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों को मालूम है कि सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं या सबसे ज्यादा पैसे जो आप कमा सकते हो वो किस स्किल को सीख के कमा सकते हो? लगा सकता है कोई हमें दे सकता है? और जी हैदर अहमद काजी साहब हमारे पास आ चुके हैं। हैदर साहब, मैं अभी आपका सर माइक अनम्यूट करता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। जी हैदर काजी साहब, आपको सर आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, सर आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम उमर मुबीन साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से सर, हैं बहुत सब? शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बड़ा जबरदस्त आप माशाल्लाह डेमो दे रहे थे सर, मैंने आपका डेमो सुना काफी देर, और बड़ी माजरत के साथ थोड़ा समय लेट हो गया हूँ। स्टूडेंट्स जो हमें अभी ज्वाइन कर चुके हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत सलाम, और मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह हमारे पास बड़ी अच्छी एक स्ट्रेंथ इस वक्त मौजूद है, और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अगले आने वाले 10 से 20 मिनट आप लोगों की ज़िंदगी में इतने एनर्जेटिक होंगे कि आप लोगों को इंशाल्लाह ताला सुन के बहुत मज़ा आएगा, और ना सिर्फ मज़ा आएगा और आज आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। मेरी कोशिश ये होगी कि आज आप लोगों को एटलीस्ट इस लेक्चर से पहले और इस लेक्चर के बाद दोनों में एक नुमाया डिफरेंस दे के जाऊँ, कि जब आप अपने अंदर एक डिफरेंस फील कर सके और आपको एक नई दुनिया के बारे में बताया जा सके। अच्छा उमर भाई, मैं आपसे थोड़ा सा जरा जानना चाहूंगा कि कहाँ तक आप अभी तक ब्रीफ कर चुके हैं, और स्टूडेंट्स आप लोगों से मेरी गुजारिश है, क्या कोई चीज अभी तक ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई? अगर जरा सी भी समझ नहीं आई आप मुझे सिर्फ 5 मिनट दें, मैं 5 मिनट के अंदर आपको तमाम फिर से गो थ्रू करवाऊंगा, और लेकिन अगर आज अभी तक आपने कुछ अपने पॉइंट दिमाग में नहीं डाले तो मैं कहूंगा कि आप अपना बहुत ज्यादा नुकसान करोगे। सिर्फ 5 मिनट आपके मुझे चाहिए होंगे, 5 मिनट में आपकी मैं ऐसी रिविजन करवाऊंगा कि आप इनशाला ताला एक एक चीज आज समझ के, बल्कि इनशाला इस पे अमल करके जाओगे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो लोग काफी सवाल कर रहे हैं, चले मैं आपको बड़ा जल्दी जल्दी सा डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा बता देता हूँ,
इसका आज के लेक्चर का, इस डेमो सेशन का आगे क्या होने जा रहा है और क्या चीज है जिसको आपने समझना है और अपने आगे इसको लेके चलना है। देखिए मेरा नाम हैदर अहमद काजी, इस वक्त गुल अहमद के ब्रांड को ई कॉमर्स में हेड कर रहा हूँ, आइडियाज और गुल अहमद दोनों को, और मेरा पूरा कैरियर इसी फील्ड से रिलेटेड रहा है। मैं आगे आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। आज के लेक्चर में आपने सिर्फ और सिर्फ कितने लोग ऐसे जिनको मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, मेरे पास दूसरा मैसेज आया है वॉइस क्लियर का। उमर साहब आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जी अदर साहब बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी वॉइस, सर आप कंटिन्यू रखें। ओके 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 ठीक है ठीक है, क्लियर के मैसेज आ गए। ओके जी, ये मेरा ब्रीफ सा जो है मैं आपको बताता चलूं कि मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है, आपको पता होना चाहिए कि आपका अगला टीचर जो आपको पढ़ा रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है। तो बैकग्राउंड मेरा यह है कि मेरे 10 साल ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर लग चुके हैं। मैं गवर्नमेंट का एक बहुत छोटा सा मुलाजिम था, CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक मुलाजिम था। 6.5 साल मैंने वहां नौकरी की, उसके बाद मुझे पता चला कि ई कॉमर्स का बूम आने वाला है। ये आज से 4 साल पहले की सिर्फ बात है। 4 साल पहले मैं एक सिंपल सा स्टूडेंट था और उस 4 साल के इस एरिया में मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज एक छोटी सी पोजीशन, एक रिसेप्शनिस्ट की पोजीशन से लेके आज हेड ऑफ ई कॉमर्स बना हूँ, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं TCS जैसी ऑर्गेनाइजेशन, ये वो जैसी ऑर्गेनाइजेशन, चेज वैल्यू सेंटर चीज के अंदर, कराची मेयर ऑफिस, बहरिया यूनिवर्सिटी, अल्फा करीम टावर, गवर्नमेंट की डिफरेंट कोई शायद ही ऐसा इदारा होगा जहां पे मैंने ई कॉमर्स की सर्विसेज नहीं दी हैं। इसके अलावा मैं आपको बताया चलूं कि मेरी पूरी एक केस स्टडी फेसबुक के ऊपर पब्लिश हुई है। जी हाँ, हमने पाकिस्तान के अंदर जो रिजल्ट्स ई कॉमर्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर हासिल किए हैं वो पूरी दुनिया में किसी ने हासिल नहीं किए, जिसको फेसबुक ने सराहा है और एक पब्लिश केस करके उसने पूरी दुनिया को ये दिखाया है। तो ये एक बहुत फखर की बात है मेरे लिए भी, आप सब लोगों के लिए भी, कि हमने ऐसा क्या किया कि फेसबुक ने पूरी दुनिया पे हमारी केस स्टडी पब्लिश की। ये आपको इंशाल्लाह ताला हम आगे चल के बताएंगे। इसके अलावा Alibaba.com का अगर आपको पता हो, मेरा नहीं ख्याल कि शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसको ई कॉमर्स का पता हो उसको Alibaba का ना पता हो। ये एक दिन में इतनी सेल करते हैं जिसने अपना पूरा मुल्क आपका एक्सपोर्ट नहीं करता। इसके अलावा UC ब्राउजर के अंदर मैं खिदमात दे चुका हूँ और इस वक्त गुल अहमद आइडियाज के अंदर खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। ये मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। अगर अभी तक किसी को नहीं पता, कुछ और जानना चाहते हैं, तो मेरा नाम सिर्फ हैदर अहमद काजी, आप इंशाल्लाह गूगल पे लिखेंगे आपको फर्दर बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो गाइस, आज का जो हमारा यहाँ पे आप सबको मकसद है इकट्ठा करने का, वो ये है कि मैंने जिस तरह बोला कि मैं 4 साल पहले जीरो था, आज मैं अगर हीरो हूं तो ऐसा क्या मेरी जिंदगी में चेंज आया कि जिसने मुझे इस लेवल तक पहुंचा दिया। मैं ऐसे ही किसी एक सेमिनार को सुन रहा था, फॉर्चुनेट इनफ मैं इतना लकी था कि ऐसा ही एक सेमिनार हो रहा था फ्रीलांसर्स का, जिसपे उन्होंने मुझे कुछ चीजें बताई जो मैंने क्लिक की और मैंने अपनी जिंदगी का सारी अटेंशन एनर्जी उस एक पॉइंट पे लगा दी। देखे इस वक्त अगर आप स्क्रीन देख सकते हैं तो स्क्रीन सबको नजर आ रही है, जल्दी मुझे जल्दी से यस यस लिखेंगे ताकि मैं आप लोगों को बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं। जी कायनात, महमूद, नफीसा, नदीम, अबरार, जबरदस्त 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 सबको आ रही है। देखिये ये वो जॉब्स है जो आज से कुछ सालों पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। यानी कि अगर आज आप अपने फादर्स, अपने पेरेंट्स या किसी से कोई पूछेंगे तो उनको ये पता ही नहीं होगा कि इस किस्म की भी कोई जॉब्स होती हैं। एग्जैक्टली वो क्या है, वो iOS डेवलपर है, वो पर्सनल ट्रेनर है, वो वेबसाइट डेवलपर है, वो डेटा साइंटिस्ट है, वो UI/UX के डेवलपर है, वो कंटेंट राइटर है, वो मेजेंटो Shopify के ऊपर काम करने वाले हैं, वो ऑनलाइन रिटेल के ऊपर काम करने वाले हैं, वो ड्रॉप शिपिंग पे काम करने वाले हैं, वो कुरियर सर्विसेज में काम करने वाले, वो फूड पांडा में काम करने वाले, इस किस्म की कोई भी जॉब्स आज से पहले अवेलेबल नहीं थी। नेक्स्ट स्लाइड पर जाइएगा, मैं आपको बताता हूं फ्यूचर ऑफ जॉब। मैं यहां पे ये बताना चाह रहा हूं कि फ्यूचर ऑफ जॉब इनसिक्योर क्यों है। क्या कोई बता सकता है कि क्यों जॉब्स का फ्यूचर इस वक्त इनसिक्योर है? जी जल्दी जल्दी बताएंगे।
बिल्कुल सही बता रहे हैं आप समी जी। समी समी सलीम ने बताया बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, नादिया ने बताया, तैयब ने बताया, और इसके अलावा दुकाश ने बताया, अब्रार ने बताया, कोमल ने बताया, नदीम ने बताया है, और उजैर, आयशा और दुकेश। एग्जैक्टली आप सब लोग अहमद बिल्कुल सही हैं। काशिफ आप भी, अली हैदर आप भी, आप लोग भी। टेक्नोलॉजी अब इस तरीके से चेंज हो रही है या इतनी फास्ट होती जा रही है या इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि बहुत सारी जॉब्स अब खत्म हो रही है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आए तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इस टाइम पे टेक्नोलॉजी ने ओवरकम कर लिया है। जी होस्ट नेक्स्ट स्लाइड पे काइंडली प्लीज आइएगा या अपनी स्लाइड आप बंद कर दे, मैं शेयर कर लेता हूँ यहाँ से। हेलो जी, देखें ये चाइना की इंडस्ट्री है इस टाइम। चाइना की सबसे पहले आप देखें कैशियर की जॉब होती थी, तो कैशियर की जॉब एक ऐसी जॉब है कि जो कि बहुत ज्यादा आपको ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंटल स्टोर, हर एक स्टोर के ऊपर ये जॉब्स अवेलेबल होती है। मतलब ये वो ऐसी जॉब है कि जो अवेलेबल होती होती है। अब वो कैसे खत्म होगी, वहां पे वीचैट पे है, आप सिर्फ वहां पे जाके QR स्कैन करते हैं और आपकी पेमेंट हो जाती है। सेकंड देखें न्यूज़कास्टर की जॉब। एक आपने देखा होगा कि मुबशिर लुकमान, जावेद चौधरी, हामिद मीर, इस जैसे कितने बड़े बड़े इन लोगों के इस वक्त हमारे पास जर्नलिस्ट है। अब उनकी जॉब भी खत्म होती जा रही, कैसे, क्योंकि उनकी जगह AI न्यूज़कास्टर ने ले ली है। जो इस टाइम पे आप न्यूज़कास्टर देख रहे हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्रिएटेड एक रोबोट है, बल्कि रोबोट भी मैं नहीं कहूंगा, एक वर्चुअल बॉट कहूंगा, कि जो टेक्नोलॉजी की मदद से बैठा वहां पे बात करो और आप इसको 24 घंटे चलाएं, ना इसने सांस लेनी है, ना इसने खाना खाना है, ना इसने थकना है, तो ये जॉब भी चलेगी। डिलीवरी जॉब्स, ये वो जॉब्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज पाकिस्तान में सिर्फ यही इस वक्त जॉब्स रह गई है गिनी चुनी, जो आपको एजुकेशन कम होने के बावजूद भी मिलती है और इस वक्त बहुत अबंडेंट है, बट पूरी दुनिया के अंदर वो खत्म होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत जल्दी से वो खत्म हो जाएंगी। तो डिलीवरी जॉब्स की जगह डिलीवरी रोबोट्स आ गए हैं। पहले कस्टमर सपोर्ट सर्विस आपने देखा होगा कि और कुछ नहीं तो एटलीस्ट कॉल सेंटर में जॉब मिल जाती थी, अब वो भी खत्म हो गई, स्मार्ट चैट बॉट्स आ गए। फिर ड्राइवर, जो कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी सबसे ज्यादा इस वक्त अगर कोई है तो वो कैब्स चला रहे हैं, वो जॉब्स भी खत्म होगी, ड्राइवर लेस कार्स हो गई है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये एक थ्रेट है, ये तो बड़ी छोटी सी एग्जांपल है, इससे बड़ी बड़ी एग्जांपल्स आपके सामने हैं। आप रोड पे चलते हुए हजार हाथ देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे कैब हुआ करती थी, उबर और करीम आ गया, फिर उसके बाद हम आप देख सकते हैं कि कितनी जॉब्स दिन में ऐसी हैं। आपने अगर वो देखा होगा एक पोस्ट आ रही होती है कि किस तरीके से कॉप्टर के आने से एक हेलीकॉप्टर पे बैठा हुआ कैमरामैन वो खत्म हो गया। तो ये बहुत सी जितनी तेजी के साथ जॉब्स आपकी खत्म हो रही हैं और नई नई क्रिएट हो रही है, ये एक बहुत बड़ा गैप बनता जा रहा है। हम लोग सब इस वक्त ये बैठे सोचते हैं कि हमें कोई जॉब मिले, हमें कोई इस तरह का काम मिले कि हमारा रोजगार का काम स्टार्ट हो सके, लेकिन अब आप देख रहे हो कि एक तो जॉब्स है नहीं, लोग बहुत ज्यादा हैं, उसके अलावा जो ऑलरेडी जॉब्स थी वो खत्म हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे अभी भी कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जो जॉब्स क्रिएट कर रही हैं। पेंडेमिक में सबसे ज्यादा जॉब्स अगर किसी ने क्रिएट की तो वो थी ई कॉमर्स। जी हाँ, आज ई कॉमर्स पे, क्योंकि मैं यहाँ पे एक हेड लगा हुआ हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन का, हमें ऑर्गेनाइजेशन बुलाती है और पूछती है कि आप कितनी सैलरी लेंगे। आज भी ऐसी जॉब्स हैं जो आपसे पूछती है कि आपने कितनी सैलरी लेनी है। तो ड्रॉप शिपिंग, वेबसाइट सेलिंग, वेब ऐप डेवलपमेंट करना, कुरियर सर्विसेज, और आपने इस किस्म की एप्स बनाना जिसमें कुरियर के पार्टनर्स वगैरह होते हैं, ये सब आपके पास जो इस वक्त जॉब्स हैं ये क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, तो इस वक्त आप सबको ये सब चीजें बताना इसलिए जरूरी था कि आपको एक चीज आज क्लियर हो जाए कि आपने किस डायरेक्शन के अंदर जाना है। अगर आज भी आप ट्रेडिशनल नॉलेज की तरफ जाएंगे, ट्रेडिशनल नॉलेज सीखेंगे और आपकी जिंदगी का मकसद जॉब हासिल करना है, तो मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि आज से एक साल बाद आप बिल्कुल इस दुनिया से फना हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जो नॉलेज आप सीखने जाओगे, जब नो नॉलेज के पीछे आप इस वक्त अपनी जिंदगी लगा रहे हो, वो आने वाले वक्त में खत्म हो जाएगा, कोई रोबोट या कोई और वो ले जाएगा। और अगर आपको इस टेक्नोलॉजी का आज भी नहीं पता, और अगर आपको इस टेक्नोलॉजी का आज भी नहीं पता, और अगर इस टेक्नोलॉजी को आज
भी नहीं सीखोगे तो आने वाले दौर में लोग आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे और आप बहुत पीछे रहेंगे। अभी तक अगर किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो प्लीज मुझे जरूर बताएं, बिकॉज वन हाफ ऑफ द डेमो प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग और इसका सेमिनार का ये अभी खत्म हो चुका है, नेक्स्ट बड़ा जबरदस्त राउंड होने जा रहा है। आर यू विद मी गाइस? कायनात अब्दुल सलाम लियाकत नदीम अब्बास का समी हमराज अबरार उजैर लशारी जबरदस्त आप सब लोग बिल्कुल इसका मतलब मेरे साथ साथ चल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है मुझे। ओके जी, फ्रीलांसिंग क्या है? अभी किसी का क्वेश्चन था और मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग इज वेरी सिंपल डेफिनेशन, कोई भी ऐसा काम जो आप किसी के लिए करते हो और किसी बाउंड्री में आपको बाउंड नहीं किया जाता उसको कहते हैं फ्रीलांसिंग। क्या एक बार फिर रिपीट करूं, कोई भी ऐसा काम या सर्विस किसी भी इंसान के लिए आप करते हो और आपको बाउंड नहीं किया जाता उसको कहते हैं फ्रीलांसिंग। जल्दी जल्दी स्लाइड चेंज करेंगे, बहुत ज्यादा स्लाइड्स हैं भाई, हम जल्दी जल्दी स्लाइड चेंज करेंगे। स्लाइड चेंजिंग वाला बंदा जरा थोड़ा तेज होना चाहिए। अच्छा, अब फ्रीलांस और एम्प्लॉय में क्या फर्क होता है? बड़ा सिंपल सा फर्क है। और क्यों फ्रीलांसिंग ग्रो हो रही है? बड़ा सिंपल सा सवाल है। देखो, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। मुझे अगर एक बंदे को नौकरी पर रखना है तो मुझे उसके बहुत सारी कॉस्ट को देखना पड़ता है, उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट, उसकी सैलरी, उसके लिए ऑफिस, उसके लिए क्या कहते हैं आप, चाय वगैरह का इंतजाम करना, उसके टेबल लैपटॉप वगैरह और उसकी बिजली का खर्चा वगैरह, ये सब करना पड़ता है। जबकि फ्रीलांस का मुझे इसमें से कुछ भी नहीं देखना, वो सब का सब उसकी कॉस्ट खुद होती है, क्योंकि एक बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और एक एम्प्लॉय की सैलरी ज्यादा होती है, एक फ्रीलांस की कम होती है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में बैठा हुआ एक इंसान अगर एक सैलरी दे रहा है डॉक्टर को फॉर एग्जांपल $10, लेकिन पाकिस्तान में वो $10 घंटे की नहीं होती, वो $1 की होती है, तो इसलिए ये सस्ता पड़ता है। लोग इसीलिए फ्रीलांसर्स को ज्यादा हायर करते हैं। सेकंड, टाइम इफेक्टिव होता है। आप देखें कि अमेरिका में अगर दिन होता है या रात होती है, और वहां रात होती है तो या दिन। अब अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा एक्सरे करवाने आया है, रात को उसने करवाया, सुबह वो 100 के उठता है, उसको रिपोर्ट मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उसने फ्रीलांसिंग दे दी ऐसी कंट्री को जहां पे दिन था, वहां पे इंसान ने काम किया, रिपोर्ट बनाई और दे दी। तो ये टाइम इफेक्टिव भी है। इसके बाद इसके अंदर लेस लीगैलिटीज होती है। कोई आपको सू नहीं कर सकता, कोई आपको कुछ आके ये नहीं कह सकता कि नहीं जी आपने इस एम्प्लॉय का ख्याल नहीं रखा इसलिए हम आपको सू कर रहे हैं, आपने इसका ख्याल रखना था। तो इस किस्म की लीगैलिटीज नहीं होती, कोई छुट्टियां नहीं देनी होती। और इन दी एंड एक्सपर्ट स्किल्स, आपको बहुत सस्ते में एक एक्सपर्ट बंदे का काम मिल जाता है, जो कि आपको अगर एक फुल टाइम एम्प्लॉय रखना था तो उसकी सैलरी बहुत ज्यादा देनी थी। तो ये वो रीजन है कि लोग क्यों एम्प्लॉय के बजाय अब फ्रीलांस हायर करते हैं। तो क्या आप लोगों के दिमाग में ये डायरेक्शन आई कि इस वक्त आपने किसी का एम्प्लॉय बनना है या किसी का फ्रीलांस वर्क करना है? क्योंकि फ्रीलांस लोग वर्क करवाएंगे, एम्प्लॉय आने वाले दौर में खत्म हो जाएंगे। आगे चले जी। बिल्कुल समी, ऑफकोर्स फ्रीलांस। नेक्स्ट स्लाइड मेरे भाई, ये जो नेक्स्ट स्लाइड है ये आपको बताती है कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा फ्रीलांस काम करने वाली कंट्री है। मेरे भाइयों, अगर इसका मतलब ये है कि हमसे ऑलरेडी बहुत से लोग आगे निकल चुके हैं और इस दुनिया में काम करना स्टार्ट कर चुके हैं और हम बहुत पीछे रह गए। अगर अभी भी हमें सिर्फ फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन ही नहीं पता थी तो बहुत आगे जाने वाले हैं। ये देखें, सुमेल हसन, इसमें कोई एज ब्रैकेट नहीं होता। अगर आप 60 साल के बुजुर्ग हैं या 6 साल के बच्चे हैं, आप फ्रीलांस अर्न कर सकते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर। ये वो सबसे छोटा इंसान एक टेबल पे, आज लोग पबजी खेल रहे होते हैं तो वो माँ बाप के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सरदर्द, और वो इनको लगता है कि ये अपना टाइम जाया कर रहे हैं। लेकिन क्या आप देख सकते हैं कि एक गेम, 25 मिनट की एक गेम लगाने पे एक बंदा $1 million कमा सकता है, वो भी कितना साल का? 7 साल की उम्र में उसने ये स्टार्ट किया, 7 साल की उम्र में मेरे भाइयों। तो याद रखना, लोग 7-7 साल की उम्र से स्टार्ट कर चुके हैं और हम अभी भी बहुत दूर हैं। तो अगर अभी भी डायरेक्शन आपको क्लियर नहीं हुई तो बहुत देर हो जाएगी मेरे भाई। अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। अब ये वो कोर्सेज हैं जो आपको बताना चाह रहा हूं मैं कि कौन से कोर्सेज ऐसे हैं फ्रीलांसिंग के जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं।
इस वक्त मेरा ख्याल है हमारे पास ऑलरेडी तमाम मेंटर्स मौजूद हैं जो कि हर अपनी अपनी फील्ड में गुरु है। अरे भाई मैं सिर्फ अगर अपनी सैलरी आपको बता दूं ना जो मुझे ई कॉमर्स में मिलती है आपके छक्के छूट जाएं, वो भी सिर्फ 4 साल में। अगर हर साल में आप 1-1 लाख रुपया बना दो तो एटलीस्ट इतनी सैलरी माशाल्लाह से बन जाती है। तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर अभी भी आप लोगों ने इस चीज का नहीं सीखा तो नुकसान कोई किसी का नहीं कर रहा, अपना कर रहे हो। तो यहाँ पे ये 4 कोर्सेज ऐसे हैं जो कि फ्रीलांसिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा बना रहे हैं। पहला डिजिटल मार्केटिंग, इसमें फेसबुक, गूगल, एसईओ, एसईएम सब आ जाता है। ई कॉमर्स मेरी फील्ड है जिसके अंदर वेबसाइट डेवलप करना, वेबसाइट बनाना, वेबसाइट पे बेचना, बेचने के बाद पैसे जेब में डालना, ये पूरा कोर्स है इसके ऊपर। ग्राफिक डिजाइनिंग, जी हाँ, इसी के लिए लोगो बनाना, वेबसाइट का काम करना, इमेजेस बनाना, बैनर्स बनाना, बिलबोर्ड्स बनाना, ये इसके अंदर आते हैं। फेसबुक मार्केटिंग में आपका इंस्टेंट आर्टिकल और आपका एड ब्रेक का कोर्स जो कि इस वक्त नोमान और हमारे पास शान भाई इसमें मास्टर है। लोग फेसबुक पे लगा के पैसे दे के अपनी सेल लेके आते हैं, पर ये वो लोग हैं जो फेसबुक की जेब से पैसे निकलवाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स है। और फाइनली ऐप डेवलपर, इस वक्त सबसे ज्यादा सैलरी अगर किसी एम्प्लॉय की है तो वो है ऐप डेवलपर। यकीन मानो आपको मार्केट के अंदर बंदे नहीं मिलते जो ऐप बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे, जिस तरह मैंने नेक्स्ट स्लाइड जो होगी वो इस बारे में है कि कौन बंदा कौन सा कोर्स करवा रहा है। जी जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्लाइड चेंज करने वाला बहुत ही कोई ढीला बंदा लग रहा है मुझे ये चीज। देखिए आज डेमो जो आपको दिया जा रहा है और आगे से फ्री क्लासेस स्टार्ट जो कि थोड़ी सी होंगी, उसके अंदर आपको बताता चलूं कि हमारे पास ये 6 कोर्सेज है। पहला ई कॉमर्स का, इसकी पूरी डिटेल मौजूद है कि इस कोर्स में क्या सीखने को मिलेगा और क्या क्या आपको नहीं। समी दो नहीं, इंशाल्लाह आपको पूरे 6 मिल जाएंगे और अभी मैं आपके आगे आपको जाके बताता हूँ। सेकेंड हमारे पास ये फेसबुक इन स्ट्रीम एड, कैसे फेसबुक की जेब से आप पैसे निकलवा सकते हैं। थर्ड है डिजिटल मार्केटिंग का, उमर मुबीन द गुरु, मेरा नहीं ख्याल मार्केट में इससे बड़ा कोई गुरु है। बिलीव मी, मैंने भी फेसबुक मार्केटिंग उमर मुबीन साहब से ही सीखी थी। नुमान साहब एलटीई के ऑनर, फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल के बादशाह, मेरा ख्याल है जावेद चौधरी के बाद अगर किसी के पेज सबसे ज्यादा पाकिस्तान में अर्न करते हैं तो वो नुमान साहब के हैं। कैसे फेसबुक की जेब से पैसे निकलवाना है ये सिर्फ इन्हीं को आता है। और उसके बाद ग्राफिक प्लस वेब डेवलपमेंट, ये मजे की बात ये है कि आप सबको ये सब कोर्स जो है ये वैसे तो इसकी जो फीस है ये 60,000 रुपीज बनती है, लेकिन ये सब कोर्स आपको कितने में मिल सकते हैं, ये आपको सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपीज के अंदर मिलेंगे। कैन यू बिलीव इट, ये सब कोर्स 6 के 6 कोर्स जिस 60,000+ की इसकी वैल्यू बनती है, ये आपको 4,000 रुपीज में 1 मंथ का कोर्स करवाया जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये वैसे तो ये सारे मतलब जो है पता नहीं क्या सोच के इन्होंने 4,000 रुपया रखा है। मैंने जब किए थे तो मुझे तो लाख लाख रुपए भी देना पड़ा, लेकिन खैर कुछ जहन में है, उनके पैसा कमाना यहाँ मकसद नहीं है। यहाँ मकसद सिर्फ ये है कि किस तरीके से किसी का भला हो जाए। और इन दी एंड आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट की जाएगी कि अगर आप कुछ सीखते हैं तो आपने आगे बस वो चीज सिखानी है। और ये 4,000 भी अगर आपसे लिया जा रहा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो आपने देखा होगा कि कुछ भी फ्री में मिल जाए ना तो उस चीज की कदर नहीं होती। अदरवाइज मैं नुमान साहब को जानता हूँ जी, वो ये 4,000 रुपए भी बिल्कुल आपसे ना लेते, और जितना वो ऑलरेडी कमा रहे हैं उनके लिए ये कोई मायने नहीं रखता। तो ये 4,000 सिर्फ आप लोगों से इसलिए है ताकि आप लोग पंचुअल होके, जब जेब से कुछ जाता है ना तो इंसान उसको दिल लगा के सीखता है। और मैंने यहाँ तक दुनिया में यही देखा है कि जब भी कोई चीज फ्री मिल जाए तो वो बहुत ज्यादा उसकी कदर नहीं रहती। तो सिर्फ 4,000 में सारा कोर्स। अच्छा, मैं इन दी एंड आपको ये बताना चाहूंगा कि क्यों आपने ये सब चीजें सीखनी और क्यों जरूरी है आपके लिए सीखना। वो इसलिए जरूरी है कि देखिए इस टाइम पे बहुत से लोग ये भी तो कह सकते हैं, नहीं जी मुझे रेड़ी लगानी है, मैंने नान बेचना है, मैंने छोले बेचने हैं, मैंने सब्जी लगानी है, वो कह सकते हैं। लेकिन मैं उनको ये जवाब दूंगा कि
क्या कोई छोले लगाने वाला, नान लगाने वाला दुनिया का सबसे अमीर इंसान है? नहीं, दुनिया का सबसे अमीर इंसान इस वक्त ई कॉमर्स कंपनी का मालिक है। चाइना का सबसे अमीर इंसान इस टाइम ई कॉमर्स कंपनी का मालिक है। दुनिया में सबसे ज्यादा एक दिन में जो सेल आज तक हुई है वो $38 बिलियन की है, जो कि ई कॉमर्स कंपनी ने की है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेज जो कि एक आईपीओ स्टॉक रजिस्टर्ड कंपनी हुई है वो भी ई कॉमर्स की कंपनी है। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये ई कॉमर्स या टेक्नोलॉजी जा रही है दुनिया में हर जगह, जहां पे आप देखो नंबर वन सिर्फ यही चीज है। इसलिए ये चीज सीखनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट चलेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की अगर मैं एग्जांपल दूं तो पाकिस्तान में, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है क्या किसी और कंपनी में हुई है? अलीबाबा के अंदर $200 मिलियन की अलीबाबा ने दराज में की है, वो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। करीम और उबर एक टेक्नोलॉजिकल एक एम कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसमें $3.1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है। बाइकिया एक फिर एक एम कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसमें $5.7 मिलियन की हुई है। और प्रो पाकिस्तानी जो कि एक ऑनलाइन कंटेंट का ब्लॉग है उसमें 8 फिगर की इन्वेस्टमेंट हुई है। तो ये सब चीजें आपको बताती है कि आपने किस डायरेक्शन के अंदर जाना है मेरे भाई। नेक्स्ट स्लाइड। लास्टली मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल देने जा रहा हूं मेरे भाइयों। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाले लोग हैं। क्या कोई बता सकता है ऑन एवरेज एक बंदे की एक महीने की कितनी सैलरी होती है? ये पाकिस्तान के सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाले इंडिविजुअल्स हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं मैं, अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आज आपने सब समझ लिया। नहीं जी सामी, आप गलत हो, मैं बता देता हूं। ऑन एवरेज जी एक बंदे की 1.25 करोड़ रुपए सैलरी है पर मंथ। एक महीने में एक बंदा, ये सब बैंक्स के सीईओज हैं, और सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जिसकी सैलरी होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ बैंक होता है। इनकी सैलरी है जी 1.25 करोड़ रुपए पर मंथ। अब तो आप सब लोग यही कहेंगे कि यार हमें तो जॉब करनी है, क्योंकि जॉब आपको 1.25 करोड़ रुपए की सैलरी देती है। नेक्स्ट स्लाइड में आए जी। ये हमारा एक स्टूडेंट है जिसने एक महीने में एक कंपनी की सेल निकाली। जरा राइट साइड पे देखें, 1 जून 2020 से 30 जून 2020, एक महीने की सेल कितनी है जी? 4.5 करोड़ रुपए। कितनी सेल है जी? सबसे ज्यादा सैलरी हासिल करने वाला एक शख्स, बैंक का प्रेसिडेंट, जो सारी जिंदगी बाहर से अपनी डिग्रियां हासिल करता है, अपना लोहा मनवाता है, बुढ़ा होने के बाद वो 1 से 2 साल सिर्फ अपनी सैलरी, पाकिस्तानी सबसे ज्यादा सैलरी हासिल करता है, वर्सेस वो बंदा जो कि हमारा एक सिंपल स्टूडेंट है और उसने 4.5 करोड़ रुपए की सेल एक महीने में फेसबुक के थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लेके आए। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ टेल मी, क्या किस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो? क्या आप सीखना चाहते हो? अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई तो कभी समझ नहीं आएगी। आई होप आज का डेमो ट्रेनिंग लेक्चर आप सब लोगों की समझ में आया होगा और आप सब लोगों को एटलीस्ट अपनी कोई डायरेक्शन क्लियर हुई होगी, आपने किस डायरेक्शन में जाना है, क्या चीज सीखनी है, किस कोर्सेज की तरफ जाना है, कौन से कोर्सेज ऑप्ट करने हैं, किस में कितनी अर्निंग है, जॉब करनी है या नहीं करनी है, अगर करनी है तो कौन सी करनी है, और इन्फॉर्मेशन सीखनी है तो कौन सी सीखनी है। आई होप सो आप सब लोग ये जरूर सीख चुके होंगे। और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर कोई आप में से फीडबैक लिंक शेयर कर दे, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, मिस्टर उमर इज हियर, आई एम हियर, और अल्टी के नंबर बार बार आ रहा है, आप लोग उस पे देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, और आई होप कि आप लोगों को बड़ा मजा आया होगा और आप लोगों की डायरेक्शन क्लियर हुई होगी और आप लोगों को जो नॉलेज आज मिला होगा आपके सबके बहुत काम आने वाला है। और कोई भी इंशाल्लाह आगे प्रॉब्लम हो, आई एम हेयर, उमर हेयर,
मिस्टर नुमान इज देयर, इंशाल्लाह वी आर हियर टू हेल्प यू आउट. एक दफा फिर मैं बताना चाहूँ, ये जो कोर्सेज आपको जिस पैसों के अंदर मिल रहे हैं, लिटरली दो बर्गर इतने के आते हैं. अगर दो बर्गर की कीमत में आपको इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो इस गनीमत को जानो और फौरी तौर पे अपनी सीट बुक कराओ, बिकॉज लिमिटेड सीट्स हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एलटी फॉर कॉलिंग मी. इंशाल्लाह ताला विल सी यू. थैंक यू सो मच हैदर साहब, आपने सर बहुत अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला. और स्टूडेंट हैदर काजी अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट फैमिली गैदरिंग में थे और वहां से ये उठ के आए हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, स्पेशली सिर्फ आप लोगों को गाइड करने के लिए. और सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच. सो स्टूडेंट्स टेल मी, अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ आपको जानना है, तो आई एम हियर. मिस्टर नुमान भी हैं हमारे पास. जी नुमान साहब, सर आपको आवाज आ रही है? अच्छा जी, हमारे एंड से क्या क्या चीजें आप लोगों को मिल सकती हैं, क्या क्या चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे इन कोर्सेज के साथ, वो है हमारी फुल सपोर्ट हमारी टीम की, हमारे एक्सपर्ट्स की. आप लोगों को जो भी टास्क दिए जाएंगे, जो भी असाइनमेंट्स दी जाएंगी, उसमें तमाम की तमाम चीजें उनको हम मैयर करेंगे, उनको आपके असाइनमेंट्स को चेक करेंगे, और जो भी एक्सपर्टीज आप लोगों तक ट्रांसफर करनी है हम लोगों ने, उसमें आपको सपोर्ट की जाएंगे. इसके अलावा आपको सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, आपको ई कॉमर्स की वेबसाइट्स बना के दी जाएंगी जिसके अंदर आप लोग काम कर सकते हो. इसके अलावा आपको प्रोडक्ट्स दी जाएंगी जिनको आप बेच सकते हो, ठीक है. आपको ड्रॉप शिपिंग के ऊपर पाकिस्तान में एक वेब पोर्टल मिलेगा जिसके ऊपर आप लोग काम कर सकते हो, जिसके ऊपर आप लोग पैसे कमा सकते हो. अभी उसकी एग्जाम्पल भी देता हूँ मैं, अपने अकाउंट दिखा के, कि मैं खुद पर्सनली उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ और उससे मैं कितने पैसे पर मंथ कमा रहा हूँ. इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे हैदर गुल अहमद में काम करते हैं, या मेरे पास कुछ फैशन के ब्रांड हैं जिनकी मैं मार्केटिंग करता हूँ एज अ फ्रीलांसर. तो हमारे पास बहुत सारे डिस्काउंट वाउचर्स आते हैं, इवन फूड पांडा के, या जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं हमारी तरफ से, वो चीज़ें आती हैं, तो वो भी इंशाल्लाह हम आप लोगों को देंगे. इसके अलावा फुल फी रिफंड की ऑप्शन है. सेशन एंड के ऊपर आप कहते हो कि जी मुझे मजा नहीं आया, मैंने कुछ भी नहीं सीखा, तो वो तमाम के तमाम पैसे जो कि आपने दिए हैं वो आपको वापस मिल जाएंगे. इसके अलावा बहुत से प्रोजेक्ट्स हमारे पास आते हैं, बहुत से लोग हमें अप्रोच करते हैं कि जी आप हमें अपने स्टूडेंट्स रेफर करें जो के काम कर रहे हैं, एज अ प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, तो हम उनको प्रोजेक्ट्स में भी रेफर करते हैं. और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारे पास आती हैं कि हमें स्टूडेंट्स चाहिए, हमें इंटर्नशिप के लिए चाहिए, हमें जॉब के लिए चाहिए, हमें एक्सपर्ट्स रेफर करें, तो हम उनको रेफर भी करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है. ये सारी डिटेल्स आप लोगों के सामने आ रही हैं, फोन नंबर आपके सामने आ रहा है, फेसबुक पेज है, वेबसाइट है, रजिस्टर्ड कंपनी है इनका, NTN नंबर LTE का आप लोगों के सामने आ रहा है, ठीक है. रजिस्टर्ड कंपनी के सर्टिफिकेट की वैल्यू भी होती है, और ये तमाम चीजें आपको जो मिलेंगी वो 4,000 rupees में मिलेंगी. आप सब लोग हमारे पास ग्रुप में ऐड हैं, आप सब लोग हमारे पास, आप लोगों को ये तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी इसकी. अच्छा मैं आपको जस्ट एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि जिस वेबसाइट के साथ हम एज अ ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं, उसका नाम है tushipping.com. ये एक चाइनीज वेबसाइट है जो कि पाकिस्तान में काम कर रही है, और मिनिसो के ऑफिशियल पार्टनर्स हैं ये लोग पाकिस्तान में. हजारों प्रोडक्ट्स लगी हुई है इस वेबसाइट के ऊपर, और ये तमाम की तमाम चीजें आप लोगों को मिल सकती हैं बेचने के लिए. इनको आप सेल करोगे और हर प्रोडक्ट बेचने पे आपको एक कैशबैक रिवॉर्ड मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे. और इसकी जो एक्सेस है, इस वेबसाइट के जो अकाउंट की फीस है वो 3,000 rupees है, और ये 3,000 rupees आप लोगों को पे करने नहीं होंगे, इसकी एक्सेस आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है. और इसके अलावा ये देखें जी, इस वेबसाइट के ऊपर मेरा अपना अकाउंट है, मैं इस अकाउंट के ऊपर जाता हूँ, इस वॉलेट अकाउंट के ऊपर जाता हूँ, तो ये मेरी अर्निंग है, मेरी अपनी पर्सनल जाती, जो कि मेरे
पैसे जो मेरी जेब में आ रहे हैं वो ये वो पैसे हैं जो कि मैंने इस वेबसाइट से कमाए हैं। ठीक है, मैं अभी आप लोगों से एक ग्रुप के लिंक शेयर कर देता हूं जिस ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो और आप लोग इन तमाम कोर्सेज को ले सकते हो। तो जस्ट मुझे यस और नो में एक आंसर दीजिएगा, क्या आप लोग इंटरेस्टेड हैं इन तमाम कोर्सेज को लेने के लिए? जैसे अदर साहब ने फरमाया था कि दो बर्गर की कॉस्ट पे ये तमाम कोर्सेज आप लोगों को मिल सकते हैं। ओके जी, मैं अभी आपसे शेयर करता हूं लिंक्स जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। ये है जी हमारे ग्रुप का लिंक, अभी आप लोगों के सामने चैट बॉक्स में आ रहा है। ये जी तमाम कोर्सेज 4000 के हैं, आपकी मर्जी, आप किसी एक कोर्स में इनरोल होते हो या तमाम के तमाम कोर्सेज लेना चाहते हो। ये ग्रुप है, इस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको नेक्स्ट सेशन की डिटेल भी मिल जाएगी। यहाँ पे हमारी क्लासेस जो स्टार्ट होने जा रही हैं मंडे वाले दिन से, ठीक है, उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी और हमारे ट्रेनर्स की प्रोफाइल, आउटलाइंस, तमाम की तमाम चीजें आपको इस ग्रुप में मिल जाएंगी। ठीक है, और जो हमारे पास स्टूडेंट्स पेड स्टूडेंट्स होंगे, हमारे पास उनका डाटा होगा, उनके नंबर्स होंगे, हम अपने पेड स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बनाएंगे और उनमें उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को हमने ग्रुप का लिंक भिजवा दिया है, आप इस ग्रुप में ऐड हो जाएं और मंडे से हमारी क्लासेस प्रॉपर स्टार्ट होंगी। एक महीने का सेशन होगा, ठीक है, और इस एक महीने में हम आपको ये 6 कोर्सेज सिखाएंगे जिसमें फेसबुक मार्केटिंग है, जिसमें वेब डेवलपमेंट है, जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग है, जिसमें ई कॉमर्स की सेल है, जिसमें ड्रॉप शिपिंग है। इन तमाम कोर्सेज की फीस है 4000 रुपए। ये 6 कोर्सेज आप लोगों को ऑफर किए जाएंगे और जिसकी फीस है 4000 रुपए। क्लास की टाइमिंग इवनिंग में हमारी क्लासेस होती हैं, रात 9 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, इस टाइम में हमारी क्लासेस होती हैं। पूरा टाइम टेबल बना के आपको शेयर किया जाएगा आप लोगों के साथ। आई वॉन्ट टू ज्वाइन नेक्स्ट वीक। जी नेक्स्ट वीक में ही हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, बीच में थोड़ी ईद की छुट्टियाँ आएंगी और ईद के बाद इंशाल्लाह अगस्त का कम्प्लीट महीना हम लोग आप लोगों के साथ गुजारेंगे। सर एक करना हो तो, एक कोर्स अगर करना हो तो आपको उसकी कॉस्ट भी 4000 रुपए ही पड़ेगी। 6 फील्ड में बेस्ट कौन सी है? देखिए समी, तमाम की तमाम फील्ड इंटरकनेक्टेड होती हैं। ठीक है, अगर आप ई कॉमर्स के ऊपर जाते हो तो आपको वेब की जरूरत भी पड़ती है, आपको डेवलपमेंट की जरूरत भी पड़ती है, आपको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत भी पड़ती है, आपको फेसबुक मैनेजमेंट की जरूरत भी पड़ती है, आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग की जरूरत भी पड़ती है। तो ये तमाम की तमाम चीजें आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं। जो आपकी ड्यूरेशन है, जो आपके जितने भी टाइम टेबल है, ये आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा इंशाल्लाह मंडे वाले दिन, जिस दिन हमारी फर्स्ट क्लास होगी। सर आप कोडिंग लैंग्वेज सिखाएंगे? नहीं, हम कोडिंग लैंग्वेज नहीं सिखाएंगे कोमल। वेब डेवलपमेंट में अब कोडिंग के जमाने हुए पुराने। सर मोहतरम फीस कैसे पे करनी है? फीस आपको व्हाट्सएप के ऊपर और इस ग्रुप के ऊपर जो आपने ग्रुप ज्वाइन किया है यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स, इजी पैसा और तमाम चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी जाएंगी। जुबिया जो क्लास की टाइमिंग होगी वो होगी इवनिंग में क्लासेस होंगी, रात 8 बजे से 11 बजे के बीच में। और सर ये फास्ट FSC कैन आई लर्न? यस यू कैन लर्न उज़ैर। ठीक है, क्योंकि इस फील्ड में, फ्रीलांसिंग की फील्ड में आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बस ये स्किल्स आने चाहिए कि किस तरीकेकार से आप मार्केटिंग कर सकते हो, किस तरीके कार से आप डेवलपमेंट कर सकते हो, किस तरीके कार से आप वेबसाइट बना सकते हो। इसमें आपको डिग्री की या किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। ओके जी, हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो कि बांग्लादेश से है। यू कैन पे वाया पेपॉल और यू कैन पे वाया बैंक ट्रांसफर और वाया वेस्टर्न यूनियन। सर को लेक्चर मिस हो गया तो हमारे तमाम लेक्चर्स
जो होंगे वो रिकॉर्ड करेंगे हम, जैसे हम आज का लेक्चर भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी। अगर किसी भी रीजन की वजह से आपका लेक्चर मिस होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। इसके अलावा गूगल क्लासरूम है या हमारा फेसबुक का ग्रुप है, आपको उसकी एक्सेस मिल जाएगी। आपको जो भी असाइनमेंट्स होंगी आप वहां पे उनको अपलोड कर सकते हो। सर व्हाट्सएप ग्रुप क्या है? व्हाट्सएप का एक ग्रुप हम बनाएंगे और जो भी हमारे पेड स्टूडेंट्स होंगे हम उनमें उनको खुद उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। सर इफ यू नॉट लर्निंग कोडिंग देन हाउ यू लर्न वेब डेवलपमेंट कोर्स? मारिया, आज के दौर में कोडिंग यूज नहीं की जाती। वर्डप्रेस के ऊपर आप कर रहे हो, अगर आप शॉपिफाई पे कर रहे हो, आप मजेंटो पे कर रहे हो, आपको कुछ भी कोडिंग की जरूरत नहीं होती। माउस के दो क्लिक्स के ऊपर पूरी की पूरी वेबसाइट बन जाती है। ठीक है, नहीं जी इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इन स्किल सीखते वक्त इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आपकी इंग्लिश की स्किल्स अगर बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है तो भी आप इन तमाम चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। होपफुली आप सब ने ज्वाइन कर लिया होगा हमारा फेसबुक का ग्रुप। अगर नहीं ज्वाइन किया तो आप इसको फौरी तौर पे ज्वाइन करो। आपको व्हाट्सएप के ऊपर तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी अभी थोड़ी देर में कि आपने फीस पैसे पे करनी है और ये चीजें आगे कैसे चलेंगे। आपकी जो क्लास होगी नेक्स्ट वो होगी मंडे वाले दिन और वो क्लास होगी फेसबुक मार्केटिंग की। मैं खुद आपका फर्स्ट लेक्चर लूंगा और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से तमाम की तमाम चीजें सिखाई जाएं। ठीक है, एडवांस लेवल पर कोडिंग लाजमी होती है? सर एडवांस लेवल पर भी कोडिंग करने की कोई जरूरत नहीं होती मेरे भाई। मैं अभी नाम लेता हूं कि मैं किन किन ब्रांड्स के लिए काम कर रहा हूं जिनकी वेबसाइट मजेंटो में या शॉपिफाई में बनी और कोई कोडिंग की जरूरत नहीं होती, और उनकी कितनी कितनी सेल है पर डे की सेल। ठीक है, तो आप शायद उसमें भी हैरान रह जाओ, कोई कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मुझे कंप्लीट कोर्सेज रिकॉर्डेड चाहिए। तमाम के तमाम लाइव सेशन होंगे और उन सेशन को हम रिकॉर्ड करेंगे और उनकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा और कोई आप लोगों का क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। उसके बाद हम सेशन को एंड करते हैं और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी हमारे फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास हमारी होगी फेसबुक मार्केटिंग की, जो कि मैं खुद आप लोगों की क्लास कंडक्ट करूंगा। और फेसबुक रिक्वेस्ट अभी जैसे ही हम सेशन से फ्री होंगे आप लोगों की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे और आप लोगों से इजाजत लेते हैं अब। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइज, और इन चीजों को बहुत ज्यादा सीरियस लो। हो सकता है कोई ऐसी बात, कोई ऐसा छोटा सा पॉइंट जो कि आपके दिल में उतर जाए, आपकी समझ में आ जाए और उसके ऊपर वर्किंग करना शुरू करो, और एक छोटा सा पॉइंट भी आपकी जिंदगी को बदल सकता है। ठीक है, चलें जी, थैंक यू सो मच। आपसे फर्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी और बाकी तमाम डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर भी मिल जाएंगी। हैव अ नाइस वीकेंड एंड हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।